हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान इस समय 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं, जहां उनकी मुलाकात आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में हुई है। कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है, आपसी सहयोग को लेकर बातचीत हुई है दोनों देशों के दरमियान, लेकिन हम सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि क्या इंडिया सऊदी अरब के दरमियान फ्लाइट को लेकर कुछ बातचीत होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है पिछले कुछ समय से। तो अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जी हाँ, फ्लाइट को लेकर बातचीत हुई है। ये ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सऊदी अरब के लिए सीधी उड़ानें जल्द से जल्द फिर से शुरू करने का आग्रह किया गया है, अनुरोध किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, गुजारिश की गई है। यात्रा सहित सभी कोविड संबंधी चुनौतियों पर मिलकर काम करने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। यानी फ्लाइट को लेकर दोस्तों बातचीत फाइनल हो गई है, पक्की हो गई है उन लोगों के लिए जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज इंडिया में लगवा चुके हैं और डायरेक्ट सऊदी अरब जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो उन सारे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। दोस्तों, मैंने आज ही अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान जो 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर फ्लाइट के मुद्दे पर बातचीत होगी, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान फ्लाइट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय। तो बहरहाल, अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की पुष्टि कर दी है, इस पर मोहर लगा दी है कि इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान फ्लाइट को लेकर बातचीत हुई है और बातचीत पक्की भी हो गई है। तो बहरहाल, जो भी लोग इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब का इंतजार कर रहे हैं जाने के लिए, उनके लिए फ्लाइटें बहुत जल्द शुरू हो सकती है। तो आप इंतजार करिए दोस्तों, थोड़ा और सब्र करिए, इस पर आगे कोई और अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।